उसमें इस इलेक्शन में हम सिंध के अवाम के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हुए हमें ना सिर्फ कामयाब करवाया है मगर माजी से बेहतर रिजल्ट्स दिए हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आपका सेंचुरी का मार्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में क्रॉस किया है, ये ज़रूर एक तारीखी कामयाबी है और इसमें आप सबका अपना अपना मेहनत है। बाकी मीडिया और दूसरी जमातें सोचते होंगे कि इलेक्शंस आसान हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कितने मुश्किल होता है, और हर बार आप इलेक्शन के मैदान में ही हम सिर्फ अवाम की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रें होते हैं और हम अवाम का ही साथ मांगते हैं, और उनका हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार बार हमें कामयाब करवाया इस इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन से अगर आपको ज़्यादा सीटें दिलवाई गई हैं तो इसका मतलब ये कि सिंध के अवाम का जो तवक्कु आपसे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, वो भी भर गए हैं। हमने माजी से बेहतर परफॉर्म करना है, हमने अवाम को जो उनके उम्मीदों के मुताबिक डिलीवर करना है, और मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये चैलेंज है कि हमें ना सिर्फ रवायती सियासत छोड़ना है मगर जो रवायती तरीका है हुकूमत करने का उसको भी छोड़ के पाकिस्तान को एक नया सियासत और एक नई खिदमत की ये आगाज़ होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, हमारा बाकी सूबों के मुकाबले में माजी में भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, और इस बार भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आपका परफॉर्मेंस ना सिर्फ अपना कारकर्दगी से, आपका अपना माजी का कारकर्दगी से, मगर आपका मुकाबला होगा, अपना मुकाबला होगा सुबह बलूचिस्तान से, आपका मुकाबला होगा सुबह पंजाब से, आपका मुकाबला होगा सुबह पख्तूनख्वा से, आपका मुकाबला वफाकी हुकूमत से भी होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुकाबले में आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, आपका कारकर्दगी बेहतर रहेगा, और हर लिहाज से मेरे आपसे ये उम्मीद है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस मुल्क इस धरती के अवाम के काफ़ी उम्मीदें हैं, तो हमने उनके उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करना है इंशाल्लाह ताला। कल आपका वोट हो जाएगा, फिर आपका स्पीकर और नेशनल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली की इलेक्शन होगा, उसके बाद आपका वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपके उम्मीदवार इन तमाम अहदे के लिए कौन होंगे। मैं एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा, और हम एक बार फिर तारीख रकम करने जा रहे हैं, और आपका इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इस पूरा मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम देगा। तो आपको नवीद एंटनी साहब को डेप्यूटी स्पीकर के लिए कहीं इधर छुपा हुआ होगा आपका अवेश शाह साहब सखर से आपका एमपीए है, नौजवान हैं, और आपको मालूम है कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए, और स्पीकर सिंध असेंबली का अहदा आगा सराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये अहदा भी संभालेगा, और आगा सराज साहब आपको गाइड करेगा जैसे वो संभालता था। इंशाल्लाह ताला आप भी इस सिंध असेंबली को, जो कि तारीखी सिंध असेंबली है जहाँ से पाकिस्तान का कारदार पेश किया गया, वहाँ आप इंशाल्लाह ताला ये अहदा संभालेंगे, और
बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें, मगर इस बार इंशाल्लाह ताला हमें अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। हमारे सूबे में जो सैलाब के असराब हैं, जो सैलाब का नुकसान हुआ है उसका मेरे ख्याल में बाकी पाकिस्तान तो भूल चुके होंगे लेकिन हम नहीं भूले, और इनका हमारा मेरा आप सब का जो नंबर वन प्रायोरिटी होगा वो हमारे सैलाब मुतासरीन से जो हमने वादे किए वो वादे हमने पूरे करना है। हमने शाह साहब आप आए हमें ज्वाइन करें प्लीज, हम उनसे जो वादे हमने किए कि हम इनके ना सिर्फ घर बनाएंगे मगर साथ साथ उनके खवातीन को मालकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये मंसूबा इलेक्शन से पहले शुरू हुआ था, सुस्त रवी का शिकार हुआ इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान, तो मैं शाह साहब से और आप सब से ये उम्मीद करता हूँ कि वो हम अपना जो मंसूबा है उससे तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। आपके जो सिंध के 50% तालीमी इदारे हैं उनको नुकसान हुआ पिछले सैलाब में, आप सबको ये बात मालूम होगा, इसलिए इलेक्शंस में वो पोलिंग स्टेशंस बन गए थे तो आप सबको मौका मिला कि इनका हालात देखने का, इनका सूरत हाल देखने का, और काफ़ी नुकसान हुआ। हमने पिछली बार सूबाई हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से इन घरों का फंडिंग भी, बाकी सैलाब मुतासरीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग भी, और हमारा जो ये 50% तालीमी इदारे को नुकसान हुआ है उनको एक बार फिर बनाने का हमने मंसूबा तो डाल दिया था। अब हमारा कोशिश होगा कि इनको हम ऐसे एक बार फिर तामीर करें कि वो ऐसे इदारे हो जो ना सिर्फ क्लाइमेट रिजिलियंट हो और सैलाब का नुकसान को बर्दाश्त कर सके और हमें हर बार ये काम ना करना पड़े, मगर साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए वो तालीम का सहूलत दे जो उनका हक है। इसी तरीके से हमारे काफ़ी मंसूबे हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से, और यही आपका प्रायोरिटी होगा। मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर समझते हैं कि इन दोनों मंसूबे के अलावा दूसरे मंसूबे आपके अपने इलाके के लिए अपने जो नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए उस पर भी आप ज़रूर काम करें। हमने जहाँ तक वफाकी हुकूमत है उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको मालूम है हमने ना कोई वजारत मांगा है ना इसका हम हिस्सा बनेंगे, मगर मैंने एक चीज़ उनसे मांगा है बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से, और वो हमारा सैलाब मुतासरीन के जो नुकसान हुआ है जो हमें अब आगे जाके जिस पर हमने काम करना है यही हमने इनसे मांगा है कि जो हमारे सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हैं उनको हमने उनका हक दिलाना है। बाकी सेहत के शोबे में हमने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की है, इसको हमें आगे लेके जाना है। तालीम का मैंने आधा तो बता दिया, बाकी जो हमारा करिकुलम है उस करिकुलम को हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हमारे नौजवानों को वो तालीम दिया जाए जो कि उनको मॉडर्न दुनिया के लिए तैयार कर सके। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, मेरे लिए आपको ओनरशिप लेना चाहिए, हम सुबह में बैठ के या वफाक में बैठ के फंडिंग का तो बंदोबस्त कर सकते हैं, स्कीम का तो बंदोबस्त कर सकते हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जो हमने अब शुरू किए हैं तो इससे जो टीचर का क्वालिटी है और मुसलसल उस क्वालिटी को चेक करना इसमें बेहतरी लेकर आना वो सारे मंसूबे हमने दिए हैं। इंशाल्लाह हम आपका करिकुलम भी जो है उसको रिफॉर्म करेंगे, मगर आप मेरे उन इलाके के नुमाइंदे हैं जहाँ ये स्कूल्स मौजूद हैं, जहाँ बच्चे जा रहे हैं, जहाँ टीचर्स जा रहे हैं, तो आपने इनका अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखना चाहिए कि आप ये जिम्मेदारी लें कि वो स्कूल्स का जो परफॉर्मेंस है वो आप चेक करें, इंश्योर करें
कि हमारा टीचर उस स्टैंडर्ड का हो, बच्चों को वो सहूलत दिए जा रहे हैं ताकि जो गैप्स हैं वो गैप्स हम पूरा कर सकें। पाकिस्तान के अवाम मुआशी तौर पे इस वक्त बहुत मुश्किल में, महंगाई, बेरोज़गारी और गुरबत जिस तरीके से इजाफा होता जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम नेशनल असेंबली के थ्रू ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत को मुस्बत इनपुट देके अपने अवाम के नुमाइंदे बन के एक ऐसा इनपुट देंगे जिससे उनके पॉलिसी से, उनके फैसलों से पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो, मुआशी तौर पे आम आदमी को सपोर्ट मिले। मगर साथ साथ सुबह सिंध का हुकूमत अपना भी पूरा कोशिश करें कि जो आपका गुरबत के मुकाबले करने वाले मंसूबे हैं, जो कि SRSO और पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पे चलते आ रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमें इस मंसूबे में मज़ीद सपोर्ट करना पड़ेगा और मज़ीद इसको फाल बनाना पड़ेगा। मैंने साथ साथ जो फोकस चाहिए चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से, वो जो पानी का मसला है कराची से लेके कश्मीर तक, आप पे जो नंबर वन प्रायोरिटी आपको भी जब डेवलपमेंट के लिए, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि MPAs और MNAs का काम लेजिस्लेशन करना है और जो डेवलपमेंट है मैं खुद देख लूँ, मगर मैं इतना एक्सट्रीम पोजीशन शायद ना लूँ, मैं आपके साथ कंसल्ट करके ये चाहूँगा कि हम जो पानी के मंसूबे हैं, जो पीने के पानी के मंसूबे हैं, जो आपका ज़रात का पानी का मंसूबा हो या पानी को लाइनिंग के थ्रू या दूसरे तरीके से के थ्रू प्रिजर्व करने के तरीके का, कि ये आपका डेवलपमेंट में आपका नंबर वन प्रायोरिटी। मैं वैसे हर साल CM साहब को कहता था कि मैं चाहता हूँ कि पानी का प्रायोरिटी हो, मगर आखिर आपका बजट में ये सड़कों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रायोरिटी निकल जाता था। तो इस दफ़ा भी मैं CM साहब को भी और आप सब से, जब आप अपना इनपुट दे रहे हैं कि आप पानी पे फोकस करें, अब जिस तरीके से वफाकी हुकूमत बना है मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम उनसे बात करके अगर इरसा पे अमल दरामद हो और जो आपका हक है वो आपको मिल दिया जाए, जो कराची के लिए ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है कि इनको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है ताकि हम अपना मेगा सिटी को उनका अपना वो शेयर दिलवा सकें। उसके साथ साथ अगर K4 का मंसूबा बंदी आखिरकार मुकम्मल हो जाए और साथ में हम वफाकी हुकूमत से भी मदद मांगेंगे, खुद अपने तौर पे भी कोशिश करेंगे कि डिसैलिनेशन प्लांट्स कराची से शुरू होते हुए फिर बाकी हम देख लेंगे कि कहाँ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम ये तीन इनिशिएटिव्स लेते हैं तो मैं काफ़ी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम इस मसले का भी हल निकाल सकें। आखिर में आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप एक खलूस नीयत के साथ काम करेंगे, आप दिन रात मेहनत करेंगे और आप अपने आप को मेरा सफ़ीर समझ के, मेरे नुमाइंदे समझ के आपका किरदार ऐसा होगा, आपका किरदार ऐसा होगा कि मैं फ़ख्र कर सकूँ कि ये मेरे नुमाइंदे हैं। आपका कोई ऐसा काम ना हो, आपसे ऐसा कोई गलती ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो या मेरा नुकसान हो। ख़ास तौर पे जहाँ तक करप्शन का मामला है आपने बहुत सख्ती करना है। आपको मालूम है कि वसाइल कम, आपको मालूम है कि तारीखी तौर पे, उम्मीद है इस दफ़ा हम इसको एड्रेस कर सकेंगे, मगर तारीखी तौर पे जो है आपको अपना पूरा जो वसाइल का और रिसोर्सेज का है हक है वो नहीं दिया जाता है। तो अब हमें इंश्योर करना है कि जितना है उसका सही इस्तेमाल किया जाए और आप मेरे आंखें बने, आप मेरे कान बने और आप इंश्योर करें कि इस किस्म के जो मसले होते हैं इनको एड्रेस किया जाए
ताकि आपके वोटर जो आपको अब इतने दफ़ा आपके आप पे एतमाद करते हुए आपको जितवाए हैं, कि हम उनका काम आ सके, हम ज़्यादा काम कर सके। अगर हम मिलके मेहनत करते हैं, अगर हम मिलके कोशिश करते हैं, तो मुझे आई हैव नो डाउट कि इंशाल्लाह ताला आपका परफॉर्मेंस माजी से भी बेहतर होगा और बाकियों के मुकाबले में भी से भी बेहतर होगा। हम एक ख़ानदान हैं, हम एक फैमिली हैं, हम बाकी सियासी जमातों का अपना एक तरीक़ेकार होगा, हमारा एक अपना तरीक़ेकार है, और जैसे हम अगर इसको बरकरार रखते हैं तो उम्मीद है कि हम कामयाब होते रहेंगे। अगर आप साथ मिलके काम करते हैं और आपस के टांग जो हम खींचते हैं वो हम आप मुझे 6 महीने दे दें कि वो काम ना हो, तो इंशाल्लाह हम उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। रही बात एक मैं जिस पे बात करना चाह रहा था कि आपका तो रूट मेजॉरिटी है, आपका तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, चाहते तो आप अपने तौर पे सारे काम करते और अपोजिशन से पूछते भी नहीं, मगर आपने ना सिर्फ आप पूरे सिंध के नुमाइंदे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने इलाके के नुमाइंदे, तो जो हमारे अपोजिशन के दोस्त सिंध असेंबली में मौजूद हैं या सिंध असेंबली में मौजूद नहीं है, इनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज करना चाहिए, इनके जो जायज़ मसले हैं, जायज़ इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। हमें ये जो नफ़रत और तकसीम की सियासत इस अरूज पर पहुंच चुकी है जहां एक दूसरे से सलाम करने को तैयार नहीं, हाथ मिलाने को तैयार नहीं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, इससे हमारा वफाक का नुकसान हो रहा है, इससे हम आगे आने वाले नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं। हमें अगर इसको दुरुस्त करना है तो हम अपना किरदार से शुरू करें, हम अपना कोशिश करें कि हम इस तकसीम को, इस बहरान से मुल्क को, सूबा को निकालने के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो पार्लियामान में जो मौजूद हैं, जो पार्लियामान के बाहर हैं, उनसे इंगेज किया जाए, जो उनके जायज़ काम है वो काम किया जाए, जो उनकी जायज़ शिकायत है वो शिकायत को एड्रेस किया जाए। हम पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी, हम पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम ये सूबा संभालें, हम ये हुकूमत संभालें, तो उस ज़िम्मेदारी को मैं और आपने पूरा करना है, चाहे वो MQM के नुमाइंदे हो, चाहे वो इत्तेहाद काउंसिल के नुमाइंदे हो, चाहे वो ये GDA JUI जो भी कॉम्परस जमाते, जो भी इस सूबे के सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपका ना सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, मगर जहाँ मैं कह रहा था कि हमारा मुकाबला बाकी सूबों से है और हमारा मुकाबला वफाक से भी है, काम में भी मुकाबला होगा, वो आपके परफॉर्मेंस में भी मुकाबला होगा, वो आपके गवर्नेंस में भी मुकाबला होगा, मगर साथ साथ आप किस तरीके से इस सूबे में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करते हो, आपका और अपने ऑपरेशन के दरमियान आपका जो रवैया है उसका भी मुकाबला, और वहाँ भी आपको याद रखना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तारीख का एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे कंधों पर, और उसी तारीख को, उस लेगेसी को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर आई एम श्योर वो एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करना अब हर किसी का हक है, झूठ बोलना किसी का हक नहीं है, झूठ का जवाब, गलत बयानी का जवाब हम ज़रूर देंगे, मगर आप इनसे इंगेज करें, आप इंगेज करें, और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि अपोजिशन का भी एक जमहूरी निज़ाम में, एक पार्लियामानी निज़ाम में एक किरदार होता है। अब पाकिस्तान भर में अब ये गलत फहमी हुआ है कि अपोजिशन का किरदार सिर्फ ये है कि आपने शोर करना है, आपने गाली देना है, आपने हर तरीके से हुकूमत के हर काम में रुकावट बनना है। ये असल जो अपोजिशन का किरदार है वो ये कि जो मुनासिब
क्रिटिसिज्म, जो जायज क्रिटिसिज्म है, जो जायज तंकीद है, उनको ये करना चाहिए। जो हमारा पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज में हमारा कमी क्या करने, उनको उसका निशानदेही करना चाहिए। और अगर वो अपना किरदार सही तरीके से अदा करते हैं तो फिर उनका क्रिटिसिज्म से, उनका पार्लियामानी पुरअमन अपोजिशन से आपके पॉलिसीज में भी बेहतरी आ सकती है। आपके पॉलिसीज में इस तरीके से बेहतरी आ सकती है कि आप तो अपने तौर पे जो बेस्ट आप समझते हो, जो मुल्क के लिए सुबह के मुफाद में होंगे, आप वो पेश करेंगे। जब अपोजिशन जायज़ तंकीद करते हैं, मुस्बित तंकीद करते हैं, पॉजिटिव इनपुट देते हैं, तो शायद आप उनका कुछ पॉइंट्स को शामिल करके एक ऐसा मंसूबा लेकर आ सकते हैं जो पहले से बेहतर होगा। तो ये हमारा आपके लिए इस टर्म के लिए जो हमारा गाइडलाइंस है, वो इसके मुताबिक आपने चलना है। सबसे भरकर आपने अपने अवाम के साथ देना है, आपने उनके साथ खुशी गमी में, दुख दर्द में साथ होना है, और मेरा और आपके इलाके के अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, पीपल्स पार्टी का पैगाम है, पीपल्स पार्टी का पोजीशन है। मेरे जो आवाज़ है आपने वो अपने इलाके में पहुंचाना है, और जो आपके अवाम की तकलीफ़ है, जो आपके अवाम, आपके इलाके के अवाम का दर्द है, मसाइल है, वो आपने हम तक पहुंचाना है। तो एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने बहुत मुश्किल इलेक्शन में मुकाबला किया। मैं जानता हूँ कि कितने सारे साजिशें थे, उन साजिशों को कैसे आप सब ने मिल के नाकाम करवाया, और इंशाल्लाह ताला आगे जा के भी आप इसी तरीके से तमाम साजिशों को नाकाम करवाएंगे और अवाम के जो मसाइल हैं, जो अवाम के इश्यूज़ हैं, उनको दूर करेंगे। आप सबको मुबारक हो। जिए भुट्टो। आप जाए अपना ओट ले। मैंने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ हम अपना भी शायद ओत हो, और फिर आना आता जाता तो हमारा आना जाना रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आप जाए सिंध हुकूमत बनाएं। आप सब बहुत शुक्रिया।